हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं थायराइड इशू के बारे में। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड दोनों में से एक जो है वो हो रहा है, और ये लाइफस्टाइल के गड़बड़ होने के कारण ही हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण हो रहा है, फूड हैबिट्स के कारण हो रहा है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी किसी को जेनेटिक भी होता है थायराइडिज्म का प्रॉब्लम। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे योगा पोजेस हैं जो कि थायराइड के लिए हमको करने हैं, लेकिन आज हम एक ही आपको प्राणायाम बताएंगे जिसको करके जो है आप अपना थायराइड जो है रिवर्स कर सकते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम जो है आप क्योर कर सकते हैं। इसका नाम है उज्जायी प्राणायाम। तो उज्जायी प्राणायाम आपको कैसे करना है, आप चाहे तो मेरी तरह आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप चाहे तो नीचे योगा मैट पर सुखासन सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को आप किसी भी मुद्रा में पकड़ लें, मैंने ये वायु मुद्रा में पकड़ा हुआ है। इंडेक्स फिंगर को थंब के एकदम बेस में जाके आपको टच करके रखना है हल्के तरीके से, और फिर अपने गले से जो है सांस लेना है आवाज़ करते हुए, ठीक है, ऐसे। पूरा मैंने सांस अंदर ले लिया, अभी थोड़ी देर गर्दन को नीचे करके सांस को रोक के रखेंगे ऐसे, फिर गर्दन उठाकर राइट नॉस्टल को बंद करके लेफ्ट से ब्रीथ आउट। इसी चीज को आप 7 times मिनिमम करें ही करें, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे हो सकता है आपको खांसी आएगा, ठीक है। तो अगर खांसी आए आप समझ लेना कि आपने करेक्टली किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप 7 times मिनिमम करें। जिनका थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा हाई है वो 21 times तक ही भी इसको कर सकते हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरा TSH लेवल जो है 36 था एक पॉइंट पे, लेकिन ये उज्जायी प्राणायाम करके लाइफस्टाइल चेंजेस करके मैंने अपना थायराइड जो प्रॉब्लम है वो उसको रिवर्स किया है 3 months में। तो आप इसको ज़रूर करें। करने के बाद आपको थोड़ी देर गले को मसाज करना है और अपने सलाइवा जो है उसको निगलते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।